हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होस्ट रियाज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विड आईक्यू के हवाले से। बार दफ़ा दोस्तों ऐसा होता है कि आप विड आईक्यू पे कोई जो है सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, कोई अपना प्लान जो है वो एक्टिव कर लेते हैं, जैसे कि इसमें मुख्तलिफ प्लान को जो है ये मुतारफ़ कराता है, बेसिक प्लान है, बूस्टर प्लान है वगैरह वगैरह, और आप फ्री वर्जन यूज़ नहीं करते बल्कि पेड वर्जन यूज़ करते हैं। बार दफ़ा ऐसा होता है कि विड आईक्यू प्रमोशन कोड के ज़रिए आपको एक लालच देता है कि आप $1 में जो है ये सब्सक्रिप्शन ले लें, तो उसके बाद आप ले लेते हैं और बाद में क्या होता है कि जब एक माह गुजर जाता है उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट जो है वो अपडेट हो जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड से या आपके अकाउंट से जो है काफ़ी पैसे जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसी परेशानी से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आगे सब्सक्रिप्शन लूँ विड आईक्यू की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मुझे पता नहीं था और मेरे अकाउंट से जो है काफ़ी पैसे जो है वो डिडक्ट हो गए। तो मैंने समझा कि क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर, मेरे फ्रेंड्स जो हैं इस तकलीफ़ से बच सकें, अगर उन्हें पता नहीं है तो एक वीडियो बना दूँ उनके लिए। दोस्तों चले सीख लेते हैं विड आईक्यू ऑप्शन को। ऊपर जो विड आईक्यू वाला लिखा हुआ है मोटा सा, इसको आपने क्लिक कर देना है और इस तरह से विड आईक्यू का जो है फ्रंट जो मेन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे नीचे अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग में जाने के बाद नीचे एक मेन्यू बार है, यानी कि अकाउंट सेटिंग के साथ मेन्यू बार है और प्लान की ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पर जो मेरा करंट प्लान है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों करना क्या है कि इसको हमने करना है डिसेबल, अपना जो करंट प्लान है इसको हमने डिसेबल करना है। वो किस तरह से करना है, ऊपर जो है आपने बेसिक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ से अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसको यहाँ से हम करते हैं क्लिक इस तरह से, और क्लिक किया ये देखें ऊपर फर्स्ट नंबर पे बेसिक ऑप्शन आ रही है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन हमने नो थैंक्स यू की ऑप्शन को नहीं क्लिक करना बल्कि दूसरी वाली ऑप्शन जो है इसको हमने क्लिक करना है। इसके बाद जो ऑप्शन नीचे हाईलाइट हुई हुई है इसको भी नहीं क्लिक करना बल्कि दूसरी वाली ऑप्शन को हमने यहाँ से क्लिक करना है। तो इस तरह से अब ये पूछ रहा है कि आप क्यों जो है इसको डिसेबल करना चाहते हैं। रीज़न कोई यहाँ पर आपने एक सिलेक्ट कर देनी है, लेकिन मैं इनमें से कोई भी एक रीज़न को सिलेक्ट नहीं करता बल्कि नीचे हम स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर रीज़न दी हुई हैं इनमें से कोई भी जो है हमें फॉल नहीं करती। तो यहाँ से हम अदर वाली ऑप्शन को क्लिक करते हैं और दूसरे वाली ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। जो हाईलाइट वाली ऑप्शन है इनको आपने क्लिक नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका प्लान जो है बिल्कुल डिसेबल हो चुका है। जो आपने प्लान किया था, जो एक्टिव हुआ हुआ था, वो प्लान जो है अब हमारा डिसेबल हो गया। नेक्स्ट जब मंथ आएगा तो ये इसको एक्टिव करने से आपसे पूछेगा कि आपने एक्टिव करना है या नहीं करना। आपके अकाउंट से जो है ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। दोस्तों इसको एक दफ़ा हम ओके करते हैं और दोबारा से इसको चेक करते हैं कि वाकई ही जो हमारा जो प्लान है वो एक्टिव हुआ है कि नहीं, यानी कि डिसेबल हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज हमारे सामने आ चुका है कि योर प्लान इज स्केड्यूल्ड टू कैंसिल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे दो ऑप्शन हैं, आपने अनडू स्केड्यूल्ड कैंसिलेशन को नहीं क्लिक करना बल्कि क्लोज वाली ऑप्शन को आपने यहाँ से क्लिक कर देना है। अगर आप अनडू स्केड्यूल्ड कैंसिलेशन की ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से प्लान जो है आपकी अकाउंट में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप अपने जो विड आईक्यू का जो अकाउंट है उसको डिसेबल कर सकते हैं, और जो आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वहां पर पुट आपने कर दी थी फर्स्ट टाइम वो वहां से डिलीट हो जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।